Hello everyone, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel and brand new vlog. So, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अच्छे अच्छे व्यूज देने हैं, वीडियो कैंड तक देख लें. सारे देख के हैरान हो गए होंगे कि आज फिर लश पश हो गए जनाब, किधर जा रहे हैं. आज मैं जा रही हूँ जी, बारात है हमारे, यानी फैमिली में ये मेरी कजन ही लगती है, आज उनकी बारात है तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे. पहले मैं तुझे रिश्ता बताते हैं उनका. हाँ बताओ. वो जल्दी जल्दी करें ना, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं आता है ना. उसकी फूफो है, आपके पापा की फूफो, उसका बेटा उसकी बेटी की शादी है. इतना लंबा रिश्ता बता नहीं सकते हैं. ठीक है, तो अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं, थोड़ा लेट भी हो गए हम लोग. और अभी भी मैं आई हूँ पार्लर से रेडी शेडी हो गई. मैं ईरज और मोइस. ठीक है, ये ईरज मैडम देखे जी, क्या शियर हुई है. ये मोइस साहब किलो के देख ले. ठीक है, इधर आ जाओ. तो माशाल्लाह जी, ये मेरे तीनों बच्चे ये जा रहे हैं वलीमे पे. ठीक है, अब हम लोग वहाँ पहुँच के फिर आप लोगों को हल्के फुल्के दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे सारे तो मुखालिफ तेरे फिरदे होने, मेरा सज्जन कोई रिश्तेदार ही होने हैं सारे, उन्होंने टेंशन हो जानी है. उनको टेंशन हो जाती है कि ये पता नहीं की व्लॉग बनाती है, की कर दी की नहीं कर दी. सानू ना चढ़ा दे नेट से, सानू ना चढ़ा दे नेट से. मम्मा मुझे अभी चादर दे, शॉल वो मैरून लेके जाओ, शॉल लेनी है ऊपर, और फिर हम लोग निकलते हैं, फिर आपको वहाँ जाके दिखाते हैं. नहीं जर्सी रहने दो बस. कैसे लग रही हूँ मैं? तो अब हम लोग जा रहे हैं. ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों को उधर जा रहे गाइज. हम लोग हॉल में तो पहुंच चुके हैं. ठीक है, लेकिन आपको शोर सुन ही रहा होगा पीछे. निकाह शिकाह हो गया, मैं ज़्यादा तो कुछ दिखा नहीं सकती हूँ. अभी बाहर निकल के मैंने आप लोगों के लिए सोचा थोड़ा सा ब्लॉग व्लॉग बना दूँ. ये इतना सा देख सक दिखा सकती हूँ कि ये मैरिज हॉल का है अंदर वाला ना एरिया. ठीक है, सारी लेडीज़ एक साइड पर हों और जेंट्स एक साइड पर हैं. अभी निकाह हुआ है और जो है ना, निकाह के बाद अभी खाना शाना तो अभी यानी आया नहीं है. खाना शाना आता फिर उसकी भी आपके साथ वीडियो थोड़ी सा बहुत दिखाती हूँ मैं आपको. ठीक है, बाकी जी आप मेरी लुक का बताना है, मैं कैसी लग रही हूँ. ठीक है, उन्होंने टिश्यू दिया, मेरे नाक से पानी बह रहा है मुसलसल, और मैं वही चद्दर से या चद्दर से साफ़ कर रही हूँ बार बार ना, बिल्कुल भी कोई टिश्यू विशू कुछ भी नहीं है. ठीक है, अब जो है ना, अब हम लोग बैठते हैं फैमिली के पास ही, फैमिली के पास बैठते हैं, फिर आप लोगों को मिलते हैं खाने के टाइम. ओके, जस्ट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को. सो गाइस, ये हमें मिली है निकाह के बाद जो वो मिलती होती हैं निकाह की कुड़ियाँ, ये मिलती हैं. खोली इसमें से क्या क्या निकल रहे हैं इसमें. शाही मेवा होने हैं, बादाम होने हैं, शाही मेवा, मखाने, छुहारे और एक टॉफी है. ठीक है, अब इसको खाते हैं. ठीक है, अब इसको खाते हैं और फिर आपको खाने में मिलते हैं. ये देखें, सो गाइस देख सकते हैं मेरे पीछे रश. ठीक है, रश काफ़ी ज़्यादा है. इधर हम लोग आए हैं वॉशरूम होने. ठीक है, ये इधर आप लोग रश देख सकते हैं. एक के साथ साथ दो दो बरातें आई हैं यहाँ पे. ठीक है, फिलहाल अभी हमें खाना शाना तो दिया नहीं है, हम लोग खड़े हैं. वॉशरूम आए थे होनी मैं अपनी फ्रेंड के साथ, तो वॉशरूम वगैरह आते हैं, फिर चलते हैं वापस और थोड़ा सा अपना वीडियो वगैरह बनाते हैं, फ़ोटोशूट कराते हैं, और फिर मिलते हैं आप लोगों को खाने पे, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ खाने भी मिलते हैं, खाना भी मिलते हैं. पता नहीं कब खाना आएगा और कब जो है ना, कब खाना आएगा और कब हम लोग खाना खा के घर जाएँगे वापस. तो अभी तो दुल्हन आके बैठी हैं. निकाह आप लोग, मैंने बताया था निकाह पुड़ियाँ, ये देखे खा पी के वही करके रखी हैं बिल्ला ने. ठीक है, और अब हम लोग वॉशरूम बोले, बाकी फिर आप लोगों को दिखाते हैं. ये है लाडू. सो गाइस, ये
नान आए पड़े हैं, ठीक है, और साथ आए हैं जी सबसे पहले मीठे चावल। अभी आहिस्ता आहिस्ता दे रहे हैं सबको सारा कुछ, अब देखें क्या आता है क्या नहीं। इसमें रसगुल्ले थे, वो पीछे माइयाँ बैठी हैं उन्होंने पा ले। ये जी हाय हाय ये आगे हैं जी, ये कौन से चावल हैं? ये है नहीं, ये है गाजर, गाजर पता नहीं की पाया है, गाजरों वाले चावल बने हुए हैं, चाइनीज बने हुए हैं, सॉरी। ये मंगवाई गई हैं धोखे से, चार बोतलें, दो फ्री बोतल आती है, दो बोतलें आती हैं फ्री यानी टेबल पे, एक टेबल पे, बाकी खाने के बाद का। हाँ ये देखें, खाई सी जो हों पिया खाधी सी आ सू उन्होंने टिशू दिते आ दो बोतल धोखे नहीं है, एक मिनट आ दो बोतल धोखे ना आईया, एक बोतल होर सी पांच आईया, वो एक गैप करती एक ढक्कन हाले मैं फड़ के बैठी हाँ, मैं बदमाशी करनी है हाले की नहीं गई, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं घर, फिर इसके बाद आप लोग के बाकी घर का जाके दिखाने हौली हौली, रुखसती हाले नहीं होनी क्योंकि मैं दिखानी नहीं हैगी, मैं चल जाना पहले मैं रोन लग पैनी हूँ। खाने के बाद हम लोग निकल आए हैं वहाँ से, तो मेरी साल से भी हम लोग निकले हैं, निकल के भी पहुँचे हैं, मोइस के पीछे फ़ोन आ ही आ रहे हैं, फ़ोन पे फ़ोन फ़ोन पे फ़ोन, काम पे पहुँचो काम पे पहुँचो काम पे पहुँचो, अभी मोइस भाई जल्दी जल्दी पका ही जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग पहुँचते हैं घर, मैंने कोई टिकटॉक नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ना वहाँ पे सिग्नल नहीं था, और उधर गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घर, तो मम्मा तो है नहीं घर, ठीक है। अब लोग मैंने एक बात बतानी थी, वो मुझे ना मेरी साथ जो बैठी थी ना कज़न नहीं लगती हैं, उन्होंने मुझे बोला कि स्पेशली ये बात बतानी है, हम तुम्हारा व्लॉग स्पेशल देखेंगे इस चीज़ से। यहाँ पे वहाँ पे ना एक लड़का था यानी ना जैसे यानी मेरी एज का ही, आई मीन के 16-17 साल का लगता था, लेकिन आंटी रानी लोगों में गई है, ठीक है। तो वो लड़का ना खड़ा दूर से देखी जाए बार बार ना, इस तरह देखी जाए देखी जाए, फिर ना मुझे कहती यार इसको बुला और इससे ना कोल्ड ड्रिंक मंगवा, क्योंकि फी टेबल पे ना यानी मतलब कि दो कोल्ड ड्रिंक्स की, एक वाइट वाली गोरमे की और ब्लैक वाली। हम लोगों ने ना उसको बोला, उससे हम लोगों ने मंगाई दो के तीन बोतल्स यानी ना एक्स्ट्रा कोल्ड ड्रिंक्स जो आती हैं, तो खड़ा वो लाइन मारी जाए। मुझे कहती हैं यार ये क्या चाहता है, पता नहीं क्या चाहता है, लेकिन हमने तो जो मंगवाना था वो मंगवा रही है, ठीक है। काफ़ी यानी मज़ा आया आज, और अल्लाह उनके में नसीब अच्छे करे जिनकी आज बारात थी, हमेशा उनको खुश रखे उनके हस्बैंड के साथ, ठीक है। दूल्हे की पिक तो मैं बना नहीं सकी, मोइस भाई ने मुझे सेंड की थी, तो मैं कोशिश करूँगी कि ब्लॉग के अंदर ऐड कर दूँ, ओके। तो बाकी जी अभी मोइस भाई कपड़े चेंज कर रहे हैं, आज मैं भी अपना ये मेकअप शेकअप थोड़ी देर ठहर के करूँगी क्योंकि मेरी वीडियो बननी है। ये देखें मैंने आगे ये दाग लग गए हैं, ठीक है। अब थोड़ी देर मैं करती हूँ रेस्ट, क्योंकि मेरे फुल सर में पेन हो रही है। वो मुझे कहती लड़की ज़रा सी प्यारी लगने लग जाए ना तो एटीट्यूड में आ जाती है, क्योंकि एटीट्यूड में क्या, अल्लाह ताला ने जिसको हुस्न दिया बस उसको दिया है, ये बात तो नहीं है ना कि
बंदा अब कही जाए कि नहीं यार एटीट्यूड एटीट्यूड, हम एटीट्यूड में नहीं रहते हैं, ठीक है। और बाकी जी अब क्या कहना, कुछ भी नहीं कहना, अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट लूँगी मैं, फिर उसके बाद कपड़े शपड़े चेंज करके फिर मिलूँगी आप लोगों को। सो गाइस, अब मैंने मेकअप शेकअप सारा उतार दिया है, बाल भी मैंने बांध लिए हैं अच्छे तरीके से, ये देख सकते हैं, ठीक है। कपड़े शपड़े भी चेंज कर दिए हैं, नाक मेरा बिल्कुल बंद हुआ पड़ा है, ठीक है, जिसकी वजह से सर में पेन हो रही है। और मम्मा लोग खा रही हैं खाना, क्या खा रहे हो? आलू मटर, केले केले खा रहे हो? आलू मटर पकाए अगे नहीं। इसरा बैठी हुई है, ये देखे टांगी नंगी करके लेटी हुई है, ये इरज का ड्रेस था। सो जी अब मैं भी खाती हूँ हल्का फुल्का खाना, हल्की फुल्की भूख है, ज्यादा तो मुझे भूख नहीं है, खाना शाना खाते हैं, ठीक है। और मिलती हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अच्छे अच्छे व्यूज देने हैं, वीडियो कर देखने हैं। बाकी जी लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।